तो भैया डीयू की तरफ से कुछ बहुत बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। डीयू ने प्रेस रिलीज के माध्यम से ये बताया कि तीसरे राउंड का रिजल्ट भी डीयू जारी करने वाला है। सेकंड राउंड में इन्होंने एक्स्ट्रा सीट एलोकेशंस किए हैं, क्यों किए हैं, कैसे किए हैं, उसके बारे में भी बातचीत करूंगा। जिन बच्चों का पहले राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था, उन बच्चों को जनरल कैटेगरी में मान के रिकंसिडर यहां पर किया गया है। इन्हीं सारी अपडेट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली चीज, इन्होंने ये बताया कि हमारे पास टोटल 71,600 सीट्स है, जिसमें पहले राउंड में 65,700 बच्चों ने पेमेंट कर दिया था। इसके बाद जिन्होंने 43,000 बच्चे, 65 में से 43,000 बच्चों ने अपग्रेड के लिए ऑप्ट किया, और फ्रीज के लिए यहां पर 20,000 बच्चों ने, मतलब अभी जो टोटल सीट है वो 20,000 ही है जो कि पूरी तरीके से कंफर्म है। जो 43,000 बच्चे हैं उन जो अपग्रेड पे लगाए थे उनमें से 43,000 में से 27,500 बच्चों का अपग्रेड हुआ भी है, लेकिन इन बच्चों के साथ रिस्क है ना, मतलब ये 43,000 बच्चे ऐसे हैं कि उनको पसंद का अपग्रेड नहीं मिला तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। सब नहीं विड्रॉ करते हैं, कुछ करेंगे। तो ऐसा है कि ये डीयू को पता है, उनको ये जैसे सब लोग क्या हुआ, शुरुआत में ये बात आई कि 65,000 सीट्स पे पेमेंट हो चुका, घबरा गए सब, सिर्फ 5,000 सीट्स बाकी हैं, अब तो यहाँ पर बस सेकंड राउंड में सीट जल्दी खत्म होने वाली हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, पहले राउंड में कहाँ कोई विड्रॉ करता, विड्रॉ तो अब करना चालू करेंगे लोग यहाँ पे। अब विड्रॉ करें उसके बावजूद इनकी मैक्सिमम सीट्स फिल हो जाएं, इस वजह से सेकंड राउंड में इन्होंने 24,869 एलोकेशंस किए। आप खुद सोचो एक बार, यहां पे 5,000 सीट बची थी तब भी 24,000 न्यू एलोकेशंस क्यों किया इन्होंने, नया सीट अलॉट किया, 19,000 एक्स्ट्रा सीट अलॉट की, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इसमें से कई ऐसे होंगे जो कि यहां पे विड्रॉ करेंगे और इनकी सीट्स जो है वो किस तरीके से भर जाएं, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। लेकिन उसके बावजूद सीट्स नहीं भरेंगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। वही बात इन्होंने यहां पे लिखा कि 29 अगस्त से मुझे अपना सेशन शुरू करना है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ठीक ठाक अमाउंट में ठीक ठाक बच्चे जो है वो रहें, इसके लिए इन्होंने ये बातें बताया। अब उसके बाद इन्होंने ये बताया कि सेकेंड राउंड में उन बच्चों को रिकंसीडर किया गया जिनका पहले राउंड में डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो है वो कैंसिल हो गया था। इसके बाद इन्होंने इस पैराग्राफ में ये बताया कि जिनका यहां पर सीट अपग्रेड होकर कोई सीट मिली है उनका जो पूरा प्रोसेस है उसको हम यहां पर जो है वो स्मूथ कर रहे हैं और ये कह सकते हैं फास्ट कर रहे हैं, ताकि 29 से क्लासेस हैं तो उनको सारी चीज़ें, अब उनको कंफर्म होगा ना उनका एडमिशन, तभी ना वो यहाँ पे क्लासेस कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि उनका जो है वो एकदम एक्टिवेट किया गया और ताकि यहाँ पर जल्दी से जल्दी उनका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो और यहाँ पर जो कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। लेकिन जिनका अपग्रेड हुआ है उनको फी पेमेंट करना होगा। फी पेमेंट का मतलब ये है कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट है, वो पे करना होगा, मतलब उस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर जो है वो एडमिट हो पाओगे। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है राउंड टू में वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिएगा 27 अगस्त तक, और यहाँ पर 30 अगस्त तक जो वो पेमेंट कर दीजिएगा। इन्होंने ये बताया है कि आगे आप देखोगे, इन्होंने बोला कि द शेड्यूल ऑफ द थर्ड राउंड विल बी डिक्लेयर्ड सून, यहाँ पर मतलब वही है कि अगला राउंड आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। अब मेरे कुछ बातों को ध्यान सुन लीजिएगा। एक बात ये समझिए कि ड्यू ने एक जरूर यहाँ पर नई काम जरूर किया है कि जो सीट एलोकेशंस का वो काफ़ी ज़्यादा किया है, जो नया सीट एलोकेशंस इन्होंने किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा किया है, मतलब जिस तरीके से इन्होंने बढ़ाया है वो सीधी सी बात है कि अब अगले राउंड में यहाँ पर जरूर सीट एलोकेशंस होगा, ऐसा नहीं है। फिर ये नई सीट एलोकेट्स करेंगे अच्छी खासे अमाउंट में करेंगे, लेकिन ये है कि अब कहीं ना कहीं उम्मीदें दिखाई दे रही कि तीसरे राउंड तक सीट्स जरूर फिल हो रही होंगी। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा सारी सीट्स फिल हो जाएं, वो जरूर बाकी रहती हैं और वो कहीं ना कहीं इनके मॉपअप राउंड में जाके सीट्स जो होती हैं वो फिल होती हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपके लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। अभी आप जो देख रहे होगे कट ऑफ दूसरे राउंड में गिरी है, अभी और भी गिरेगी, तीसरे राउंड उसके बाद स्पॉट राउंड में भी यहाँ पर कट ऑफ आपकी जरूर गिरेगी और कायदे से गिरेगी। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, इस बार कट ऑफ ज़्यादा गिरती हुई दिखी है क्योंकि इतने ज़्यादा एलोकेशंस यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि इनका ये है कि किसी तरीके से हम अपने सेकेंड राउंड में ही मैक्सिमम सीट्स को फिल करके अपनी क्लासेस को यहाँ पर चालू कर दें, नहीं तो पता चला हाफ स्ट्रेंथ से क्लासेस चालू करेंगे फिर उसके बाद हाफ स्ट्रेंथ बाद में आएगी तो वो फिर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो वो इनका टारगेट है, इसलिए इन्होंने एक्स्ट्रा एलोकेशंस किए हैं। तो इन्होंने
अपनी चीजों को इम्प्रोवाइज जरूर किया है, लेकिन चीजें ऐसी नहीं है कि आपके पास अभी अगले राउंड्स नहीं होंगे, कट ऑफ कम नहीं होगी, सब होगा यहाँ पे। निश्चिंत रहें, वेट करें, पेशेंस के साथ सीट्स यहाँ पर आपको जरूर मिल रही होगी, क्योंकि अब बच्चे इधर उधर होने लगेंगे, उनको कहीं दूसरे बेटर ऑप्शंस मिलेंगे तो वो जाने लगेंगे, तो वहीं पर आपको जो है वो इस चीज़ का फायदा मिलता है। लास्ट राउंड तक टिके रहिएगा, चीज़ें आपको जरूर मिल रही होंगी, अच्छी मिल रही होंगी। जिनके भी मार्क्स यहाँ पर कम हैं और उन्होंने अपने प्रेफरेंस में लास्ट एंड लास्ट कॉलेज तक फिल किया है, उनके एक बेहतर चांसेस जरूर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।